नमस्कार दोस्तों। और शुरुआत तो ऐसे करना चाहिए कि कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, और सब लोग भागे पड़े। कौवा कान ले गया और एक ड्राफ्ट क्या एनएमसी का आया, लोग यूट्यूब पे कूद गए, रिव्यूज डाल दिया। इवन हमारे बच्चों को भी बहुत फोन आता। कल मैंने जो वीडियो डाला वो मैंने रात में 12 बजे बना के तुरंत ऐसे एज इट रॉ डाल दिया। ये भी रॉ वीडियो है, इसमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते अभी ड्यू टू कोविड। हमारे जो सिस्टम वगैरह है सब बंद पड़े। तो एनी वे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे इन्फॉर्मेशन पहुंचना इम्पोर्टेंट है। बट सबसे इम्पोर्टेंट ये ड्राफ्ट मैंने दोबारा पढ़ा है अब मॉर्निंग में, और कुछ बच्चों से मेरी बात हुई है। तो बड़ा मजेदार बात है कि हमें लग रहा है कि 99.99% लोगों ने इस ड्राफ्ट को पढ़ा ही नहीं ठीक से, और लोग लाइव आ गए, यूट्यूब पे कूद के बैठ गए, चले गए, लोग डाले पड़े वीडियो और खूब डिस्कशन चल रहा है। इस ड्राफ्ट को देखिए बड़ा मजेदार है। इसमें इन्होंने 1.3 बनाया, आपके पास सबके पास कॉपी पहुंच गई है, नहीं होगी तो व्हाट्सएप करके मैं कॉपी भेज दूंगा पूरे ड्राफ्ट की। इसमें 3.1, 3.2 और 3.3 तीन सेक्शन में बटा हुआ है। 3.1 में इन्होंने क्या किया, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पीरियड टू एंट्री इनटू द मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशन फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर सीनियर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन इन इंडिया प्रियर टू ज्वाइनिंग मेडिकल कॉलेज। मतलब मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करने से पहले, यानी विदेश जाने से पहले जो क्राइटेरिया उन बच्चों के लिए जो इंडिया में 10+2 किए हैं, तो उसके लिए उन्होंने वही सेम पीसीबी होना चाहिए, बायो होना चाहिए, जनरल के लिए ये होना चाहिए, नीट क्वालिफाई होना चाहिए, वही पुरानी बातें, कोई बहुत नई बात उसमें नहीं लिखी है। जहां कन्फ्यूजन शुरू हुई वो शुरू हुई 3.2 से। थोड़ा मैं भी कन्फ्यूज था लेकिन मेरा फर्ज था कि इस चीज को करेक्ट करें। 3.2 में जो लिखा है उसमें हेडिंग पे ध्यान नहीं दिया, हेडिंग पढ़िएगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्सन इंटेंडिंग टू प्रैक्टिस इन इंडिया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन एज वेल एज एमबीबीएस और इट्स इक्विवेलेंट मेडिकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। मतलब जो लोग 10+2 बाहर से पढ़े हैं, एमबीबीएस भी बाहर से किए हैं, उन लोगों के लिए ये जो क्राइटेरिया है कि आपकी इंटर्नशिप वहां से होनी चाहिए, आपका वही। तो मुझे एक्चुअली डाइजेस्ट नहीं हो रहा कल, मैंने इसीलिए उनको बहुत बुरा भला बोला एनएमसी के लिए कि ये तो पॉसिबल है। आप दूसरे विदेश के किसी कॉलेज को कैसे इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि भाई आप इस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग कराओ इस चीज़ में, वो तो कहेगा कि ऐसा है घूमो ये पतली गली निकल लो। आप किसी को नहीं इंस्ट्रक्ट, मैंने बोला नेपाल को भी आप नहीं इंस्ट्रक्ट कर सकते, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन, उनका लॉ है, वो उसी हिसाब से काम करेंगे। आपका बच्चा आए पढ़ने ना आए, उनको उससे लेना देना नहीं है, किसी को लेना देना नहीं है। तो बेसिकली इसमें जो 3.2 में जो भी लिखा मतलब वो बकवास में नहीं कहूंगा, लेकिन उन बच्चों के लिए जो विदेश में ही रहे, विदेश में ही पढ़े, विदेश में ही रह गए, तो वो बच्चा हमें नहीं लग रहा इंडिया आएगा भी उसके लिए। इतना ज्यादा इन्होंने जो लिख डाला है कि रोटेटरी होनी चाहिए, 12 मंथ मैंडेटरी इंटर्नशिप, इसमें एक चीज और लिखी थी कल हमने नहीं बताया था, वो ट्रांसफर के लिए भी उन्होंने मना किया था कि आप जहां पे एडमिशन लेंगे उसी में आपको 5 साल या 6 साल पढ़ना, आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। ट्रांसफर के लिए अगर कोई बच्चा कन्फ्यूज होगा तो मेरे पास बहुत सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग पड़ी है 2019 की, उसमें एकदम क्लियर कट गाइडलाइन, ट्रांसफर इज अलाउड। कोई आपको मिसगाइड करता है वो रूलिंग हमसे ले लेना, मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है? अभी लिंक तो बाद में एडिट करके मैं डालूंगा। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा फिर क्या है, मुद्दा 3.3 का ही रह गया है। 3.3 का क्या मुद्दा है, वही चीज उन्होंने कहा कि नेक्स्ट वन नेक्स्ट टू होगा, ये साफ है। नेक्स्ट वन के बाद आसपास उन्होंने कि एग्जाम का एक डाला है कि उसमें एक हम छोटा सा एग्जाम इन लोगों का लेंगे जो विदेश से पढ़ते हैं। अब ये देखिए कैसे जस्टिफाई हुआ, द पर्सन इंटेंडिंग टू प्रैक्टिस इन इंडिया आफ्टर ऑब्टेनिंग प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन नीड टू क्वालिफाई FMG अंटिल द नेक्स्ट बिकम ऑपरेशनल, जो कि 2000 आपका 22 से हो ही रहा है। तो मतलब FMG आपसे मतलब नहीं, जो लोग सुन रहे हैं मेरे ख्याल से पुराने लोग। और द नेशनल एग्जिट टेस्ट एग्जामिनेशन शैल कंसिस्ट नेक्स्ट वन, मतलब वही जो हमने बताया था स्टेप वन स्टेप टू फॉर FMG। स्टेप वन विल इंक्लूड एन एडिशनल पेपर टू एक्सेस द नॉलेज ऑफ प्री एंड पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट ऑल्सो। मतलब विदेश से पढ़े हुए बच्चों का एक एडिशनल एग्जाम इन्होंने रखा है, इसमें प्रपोज किया है हम लेंगे, और दूसरी चीज उसके बाद इनको नेक्स्ट टू देना है। तो ये मैटर है, देखिए मैं आपको बता दूँ। हाँ, और एक चीज आपका जो सबसे बड़ा हेड है कि 2 साल में आपको कंप्लीट करना, मतलब 1 साल में 2 पेपर होते हैं, यानी 4 साल में करीब 2 साल में 4 पेपर होंगे, ठीक है? तो 2 साल में 4 पेपर में आपको इनको पास करना है। और भारतीय बच्चा जो यहाँ से MBBS करेगा वो नेक्स्ट दे रहा है, तो उसके लिए कोई ऐसा कमेंट इसमें नहीं लिखा। तो देखिए मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, 2019 मैंने कल ही बोला था पार्लियामेंट में जब ये बिल पास हुआ था तो उनका क्या था, वन नेशन वन एग्जाम। तो जब भैया वन नेशन वन एग्जाम सब कुछ वन है तो ये टू कहाँ से हो गया, नहीं हो सकता ना, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये तो इस पे विरोध आप लोग जताइए, अपना फर्ज निभाइए। कोई देखिए ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट है, दिस इज नॉट अ बिल, बट कोई सो रहा है ना तो उसको जगाया जाता है। कैसे जगाते हैं, शोर मचाओ, चिल्लाओ, धक्का दो, गिराओ, कुछ भी करो तो तब उठेगा ना आदमी।
तो अगर एनएमसी या कोई इसको सोए हुए तो उनको जगाइए कि भैया हम भी इंसान हैं, हमारे विदेश में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा देते कि हम ज़्यादा काबिल हो जाते हैं, ठीक है, हम उतना ही काबिल हैं जितना यहाँ का इंडिया का पढ़ा हुआ बच्चा है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा, अगर आप नहीं हैं तो हमारे ट्विटर पर आ जाइएगा, ट्विटर हम फॉलो करिए। हम लोगों ने सीबीएसई बोर्ड, अभी जो बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं अभी आईसीएसई के, और बहुत मुहिम चला रखी है, आंधी ला रखी है, और बहुत चीज़ें हम लोगों ने गवर्नमेंट से करवाई हैं और आराम से कर रही हैं, लीगल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ट्विटर पे ट्रेंडिंग कुछ ट्वीट्स हम चलाएंगे, आप लोग अगर उसको फॉलो करिए सब लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो बच्चों को भेजिएगा, तो वो हम लोग एक प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं, और ये ड्राफ्ट को ही ड्राफ्ट ही रहने देंगे और इसको यहीं पर हम लोग ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ये कोई इसमें बहुत चिंता की बात नहीं, बच्चे बहुत परेशान नहीं होंगे, और कुछ भी जानकारी मुझे इससे रिलेटेड नहीं मिलेगी डेफिनेटली मैं आपको करूंगा, बट वो जो बच्चे जो ऑलरेडी विदेश में पढ़ रहे हैं और जो बच्चे विदेश जाने को सोच रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ना सीखिए और अभी से लड़ना शुरू करिए। शुक्रिया।